साधु के निर्दलीय प्रत्याशी शोभा देवी रोड शो करके जनसंपर्क अभियान चलाई। से रोड शो में काफी संख्या में गाड़ियों की काफिला थी, जिसमें नवयुवक शोभा देवी जिंदाबाद वीर विशेश्वर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शाहपुर की निर्दलीय प्रत्याशी शोभा देवी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। शोभा देवी ने काफी संख्या में गाड़ियों की काफिला के साथ समर्थकों के सहयोग से रोड शो कर विजय बनाने की अपील की। इस अवसर पर राकेश विशेश्वर ओझा ने राजद प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी पर कई आरोप भी लगाए। जो किसी स्थान भी पट्टी में स्थित है, मैं वहां जा रहा हूं अपने जीत के लिए, शाहपुर की जनता की सुख समृद्धि और शांति के लिए तथा अपनी माता जी के लाज रखने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और परिवार के विघन करने की बात कह रहे हैं, मैं कमल पे वोट देने की बात कर रहे हैं, निर्दलीय को कह रहे हैं कि निर्दलीय को निष्कासित कर दिया जाए और कमल को ही वोट दिया जाए। देखिए मैं बता देना चाहूँ, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, वो हमारे अभिभावक समान है, हमारे पिताजी के बहुत करीबी रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात कर जरूर उन्हें कोई भ्रमित किया होगा। बाकी मनोज तिवारी जी हमारे अभिभावक हैं और जहां तक बात है कमल पर वोट देने के लिए, तो उनके कहने से यहां की जनता वोट नहीं देगी, नेता चुनेगी। और जहां तक उनको प्रमाणित करना हो कर देंगे हम कि शाहपुर से धर्मपाल सिंह निर्दलीय जीत कर दिखाए थे जब पार्टी ने यहां क्षेत्र की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया था। मनोज तिवारी नहीं जानते हैं, मनोज तिवारी के पास हम नहीं गए थे मदद मांगने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए और पार्टी का जो दो चार पदाधिकारी का चमचागिरी करने के लिए कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भी दर्द है, उस दर्द को कुरेदा नहीं जाए, अगर वो दर्द बाहर आ जाएगा उसका जो परिणाम होगा वो कोई सह नहीं पाएगा। बाकी मनोज तिवारी जी, इसमें मुझे पता है किसी ने उन्हें भ्रमित किया होगा, इसलिए वो इस प्रकार का बयान दे रहा है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिएगा, अगर आप जीत के जाते तो कहाँ किस पार्टी से निष्कासन का कोई किसी तरह का कोई खबर मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर नहीं आया है। अगर इस तरह का कोई खबर आएगा मेरे पास तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का हम सभी उसके कार्यकर्ता रहे हैं, आगे भी रहेंगे। नाराजगी चंद चीजों को लेकर है, वो समय रहते दूर हो जाएगी, चुनाव बाद दूर कर ली जाएगी। मंच पे आपके पिताजी का जय घोष किया गया, वीर विशेश्वर ओझा अमर रहे, क्या लगता है कि ये देखिए वीर विशेश्वर ओझा अमर रहेगा, जो जय घोष किया गया वो बहुत सुंदर है, लेकिन ये जय घोष वही लोग कर रहे हैं जो पिछले बार विशेश्वर ओझा को चुनाव में वोट देने तक नहीं आए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जय घोष करके वो वोट बैंक जो है अपने तरफ करना चाह रहे हैं? इतनी समझदारी रहती तो वो चुनाव में वोट देने आए रहते, जनता के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना किसी के बस की बात नहीं। शाहपुर की जनता आपको यहाँ के विधायक मान चुकी है, अगर आप विधायक बन के जाते हैं तो किस पार्टी में आप विलय करेंगे? मैंने ओपन माइंड से बोला है कि हम अगर हम शाहपुर की जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं, हमारी माता जी विधानसभा में पहुँचती है, तो हमारा बिना शर्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा।